मैं बड़ी बारी जथेबंदियों तो सुनता असी इलेक्शन नहीं जी लड़नी, असी सत्ता च नहीं होना, असी ये काम नहीं करने। जे तुसी नहीं करने तो फिर पंजाब की धरती संभालूगा कौन? ये बिल आप वापस भी कराने हैं, सरकार गोडे टेक के मत्था टेक के थोड़े बिल तुम वापस करके जाऊगी। पर मेरा एक सवाल है, कोई किसी का राज ना दे है, कोई किसी का ताज ना दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है। लखे अर्गे मुंडे ने बहुत कुछ किया, उन्होंने भी अपने नाल अपनी गोदी चलाओ। गज बज के मेरे नाल फतेह बुलायो जी, योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा महान दिन है, महान योधा शहीद आजम सरदार पंजाब की धरती का शेर भगत सिंह जी थोड़े चरणों में प्रणाम, सुखदेव जी थोड़े चरणों में प्रणाम, राजगुरु जी थोड़े चरणों में प्रणाम, चंद्रशेखर आजाद जी थोड़े चरणों में प्रणाम। तमाम शहीद जिन्होंने इस देश की कुर्बानियां दित्तियां ने उन्होंने चरणों में मेरा शीश झुकता है। पहली रैली तो लैके मोगे अज तक मैं बड़े भाषण सुने, बड़े लोगों मैं तकदीर करते देखा, बड़े लोगों मैं आ कर दू ओ कर दू फलाना कर दू बड़ा कुछ कहते मैं सुनया। पर कुछ गल् मैं थोड़े बिच रख के जानिया ने और कुछ गल् कह के जानिया ने। सच बोलदा गुरु का ओढ़ सहारा लैके, मैंने गुरु ने आख्या सच का होका देना है गुरु घर का। किसी को चंगा लगे तो भी ठीक है, किसी की हिच बचे तो भी गुरु वाला तो गुरु जाना। मैं एक गल पूछना चाहना थोनू सारिया, जब बिल नहीं सी बने उदा जिमीदार सुखी सी? बिच बोले ना भाई, हम उदा जिमीदार सुखी सी? नहीं, उदा भी वह दुखी सी, उदों भी खुदकुशियां कर रहा है। यह बिल आए, यह बिल आप वापस भी कराने हैं, सरकार गोडे टेक के मत्था टेक के थोड़े बिल तुम वापस करके जाऊगी। पर मेरा एक सवाल है कि जिमीदार खुश हो जू, कि जिमीदार सुखाला हो जू? किसे भी एक भी बंदे ने जथेबंदियों तो लैके बुलारिया तक यदा हल मैनू नहीं दसिया, लेकिन मैं थोड़ा दसदा। मैं बड़ी बारी जथेबंदियों तो सुनता असी इलेक्शन नहीं जी लड़नी, असी सत्ता च नहीं होना, असी ये काम नहीं करने। जे तुसी नहीं करने तो फिर पंजाब की धरती संभालूगा कौन? पंजाब की धीआं भैणों कौन संभालूगा? तो पंजाब के नौजवानों के बजुर्गों कौन संभालूगा? इस करके मेरी यह बेनती है, कोई किसी का राज ना दे है, कोई किसी का ताज न दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है। और जो निज बल न ले तो फिर इलेक्शन लड़निया पैनी है, अपनी पार्टी बनानी पैनी है मजदूरों की। जथेबंदियों मैं कहना बत्ती तुसी 117 बंदे कढ़ो, अपनी सरकार बनाओ, अपने बंदे लियाओ, अपने योधे लियाओ। जरनैलों का कोई घाटा नहीं, आवेखो निगाह मार के जरनैल ही जरनैल पंजाब के तुरे फिरते नहीं। असी इन्ने कमजोर हो गए, असी आपकी सरकार नहीं बना सकते, असी आपका सत्ता नहीं बना सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तख्त ताज से जरा बैठा सी औरंगजेब, ओदे हिक च पत्थर ला रहा सी, आख्या सी तेरी समाध ते किसी ने थुक नहीं आना, ते गुरु घर की जय जयकार देखो क्या होती है। मेरी गल याद रखे जे, आपा को समा है नहीं, बड़ा भयानक समा चल रहा है। जे पंजाब की धरती बचाना है, जे पंजाब के लोगों को बचाना है, जे नस्लों को दसना है कि असी उन्होंने मन मिटे सी, तो याद रखियो थानू आने वाली इलेक्शन लड़निया पैनिया,
अपने चरणों लगे लियाने पैने है, सत्ता बनानी पैनी है। फिर मैं दसूंगा भी जिमीदार वास्ते की करना चाहिए। कारपोरेशन साडिया जिमीदार अबानी अदारिया तो बना के देते महल आ जड़े उत्थे तुसी रखदे अपने दाने ते जर खरीद खरीद के लो जरा खाद अपना जिमीदारा का उसे रखिया। मैं दसदा एसी बना पंजाब की धरती ते अपना जरा जिमीदार है वह बनाऊगा कोल्ड स्टोरेज और अपनी फसल असी अपनी आप एमएसपी तय करके देंगे। कौन होंगे लोग जो एमएसपी तय कर साड़ी फसल साड़ी चीज साडा रोजगार तय कर। इस करके मैं गल का होका देना आया सी अज तकड़े होके एक जरनैल लगो सारे कट्ठे हो किसी कुछ नहीं कहना। आ लखे अर्गे मुंडे ने बहुत कुछ किया उन्होंने भी अपने नाल अपनी गोदी चलाओ। सारे जथेबंदियों सारे पंजाब के धरती के लोगों को मैं कहना चाहना उठो अपने जरनैल पैदा करो आने वाली इलेक्शन लड़ाओ और दिल्ली दरबार से जोड़े साढ़े लोग बैठे है उन्होंने सजदा दो क्योंकि ये सुख दुख जरा बरछा कटिया के धरती के साढ़े पंजाब के ताही लथूगा जे असी अपनी सरकार जिमीदारा की बनावे तो नवे लोग नवी सरकार नवे लीडर नवी सोच नवा सोच पंजाब की धरती से चढ़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।